मामाचा गांव चलते एंड तो आज आप फर्स्ट टाइम मेरी फ्रेंड से मिलोगे जागृति, और हम लोग पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं। तो अभी नेक्स्ट कहाँ, अभी खाने पे तो ब्रेकफास्ट करेंगे हम, और फिर हम स्विमिंग पूल में उतरेंगे सारे के सारे। जर्मन शेफर्ड को हाथ नहीं लगाऊंगी अभी। नहीं नहीं जा। क्या? अच्छा। कॉन्फ्रेंस रूम। आ तो ग्रुप आते होंगे ना। सबका एक थोड़ी ना होगा, दो अलग ही। इसमें दो रूम है। देखो रूम कैसा, कौन सा चाहिए आपको। गो वॉच। नदी है कि ये नदी है कि क्या है ये पीछे? ये पीछे खदान है। खदान है काहे की? पत्थर खोदते हैं। ऊपर वाला रूम लेंगे हम। रूम हमारा रूम तो फाइनल हो गया। अभी जागृति निपुण मृति इनका रूम अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो वो देखने हैं हम। अभी हमने ऊपर वाला रूम लिया है, नीचे वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्या होता है ना, प्रकृति वाली जगह पे क्या होता है, छिपकलियाँ चूहे ये भी आ जाते हैं, इसलिए हमने ऊपर वाला प्रेफर किया है। और तो वो भी ऊपर वाला ही देख रहे हैं अभी, लेकिन बहुत सुंदर है ये जगह, बहुत ही बढ़िया जगह है। बहुत मज़ा आ रहा है हमको तो यहाँ पे, और मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये सब फूल पत्तियाँ अलग अलग तरीके की हर्ब्स और पेड़ वगैरह देख के। और ये बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, इनका तो एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हो रहा है। और ज़्यादा लोग नहीं है वैसे यहाँ पे, बहुत कम लोग हैं, तो अभी तो हम ही हैं अकेले, और आज इस स्विमिंग पूल में हम ही राज करने वाले हैं। बच्चों का एक्साइटमेंट तो देखते नहीं बन रहा है अब, क्योंकि ये नेचुरल जगह है तो कचरा थोड़ा सा यहाँ पर है, कचरा मतलब पत्तियाँ वगैरह हैं, तो हमारे बच्चों से वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हम वो निकलवा रहे हैं उससे और निकाल देगा। और फ्रेश पानी भी अभी भर रहा है वो, तो अच्छा है। स्विमिंग पूल तो अच्छा दिख रहा है, आते हैं बस अभी नाश्ता करके। मीहू और निर्मति की बहुत बेस्ट फ्रेंडशिप हो गई, इनको बहुत मज़ा आ रहा है एक दूसरे के साथ। गाने बज रहे हैं उस पर डांस कर रही है ये, ठीक है मुझे गाने यहाँ पे म्यूट करने पड़े हैं। और अभी हम जा रहे हैं डाइनिंग हॉल, तो बहुत बड़ी जगह है, इतना तो मैं कवर नहीं कर पाई इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैंने कवर किया है, तो देखना ज़रूर सारी वीडियोज़। ओके, तो आज इन्होंने बनाया है नाश्ते में पोहा और उपमा, जिसको बहुत ही मुँह सड़ा सड़ा के खाया जा रहा है तीनों बच्चों के द्वारा, बट इट्स ओके, समटाइम्स चलता है। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, हमारे बच्चों को तो मज़ा नहीं आया पोहा उपमा खाने में, बोल रहे हो तो हम घर पे भी खा लेते हैं, यहाँ हमको पोहा उपमा खिलाने लाया क्या? और अरे ठीक है बेटा, कभी कभी ये भी चलता है, ऐसा भी होना चाहिए ना। ये दरवाजा ऐसे खुलता है ऐसे। हाँ, हमारा स्विमिंग कॉस्ट्यूम जैसा कोई सीन नहीं है, वी आर वेरी लो मिडिल क्लास टाइप लोग, नो स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ओनली पजामा एंड टी शर्ट इन स्विमिंग पूल। सो वी आर गोइंग, और वहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक बिकॉज गाने बज रहे हैं, तो हम साइड में रखेंगे इसको एंड देन वी आर गोइंग टू एंजॉय। बहुत साफ स्विमिंग पूल है, सिर्फ पत्तियाँ हैं उसमें, तो हमारे बच्चों को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही,
लेकिन उसने हटा दी बेचारे, क्या करें इतने पेड़ पेड़ हैं तो गिरेंगी ना। चलो खुश है बच्चे, इनको बस अब जाके मजा आ रहा है इनको कि अब स्विमिंग पूल में जाएंगे। तो वही कचरा हटाने के लिए कह रहे हैं बच्चे, एक्साइटमेंट तो फुल ऑन है। भैया तो चले गए, अभी हम लोग भी जाने वाले हैं। तो इतना एक्साइटमेंट इसलिए भी है ना क्योंकि बहुत दिनों बाद पूल में उतरे हैं बच्चे, अदरवाइज जाते नहीं है। बस वो लास्ट टाइम नोनी के बर्थडे में गई थी तो वहाँ पे भी पूल था, वहाँ भी इसने खूब एंजॉय किया था। मैं तो नहीं गई थी पर मैं यहाँ जरूर जाऊँगी, मैं, जागृति और ये सब बच्चे। फुल ऑन ड्रामा क्वीन है मेरी नई का, और मज़ा आता है इसके साथ बहुत ज़्यादा। और इसका ऐसा ही है कि कोई भी काम स्टार्ट करेगी ना तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, पर फिर उसमें घुस जाएगी ना तो फुल ऑन डेडिकेशन के साथ घुसती है वो। जैसे अभी जब जाने में इतना ड्रामा है, भैया उतार रहे लेकिन नहीं जाना उसको, लेकिन जब चली जाएगी ना फिर उसके बाद निकालना हमारे किसी के बस की बात नहीं है। अभी देखो देखो कितना कितना खींच रहे हैं उसको, बुला रहे लेकिन नहीं जाना नहीं जाना। अरे एक बार घुसने के बाद कुछ ठंडा नहीं लगता, जा ना। देख रहा था वो उतारने के लिए। हाँ यार वो उठा ले गया वो छोटी, क्या कर रही है, जा बेटा जा खेल, देखो कैसे दादा कैसे कर रहा है, निपुण कैसे कर रहा है, जा 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 मीका जा। बीच बीच में मैं इसका ओरिजिनल वॉइस भी कर देती हूँ क्योंकि जैसे ही बीच में उसका सॉन्ग बंद होता है ना तो मुझे लगता है कि इसकी जो ओरिजिनल वॉइस थी वही ज्यादा अच्छी है। एंड ओके ये रिकॉर्डिंग तो थोड़ी सी ही है, अदरवाइज ये जो ऊपर से पानी में जाने का जो ड्रामा था ना ये बहुत देर तक चला था, पर वही है उसके बाद फिर बहुत देर तक निकली भी नहीं, 3 घंटे हम लोग पूल में थे, उसके बाद फिर निकालने के लिए मशक्कत। ओ भाई ये मेंढक कहाँ से आ गया पूल में, इतना बड़ा मेंढक था, सब बच्चे भाग लिए वहाँ से और सारे के सारे इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। ये मज़ा आया, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था स्विमिंग पूल में मेंढक का।